क्या हाल है दोस्तों, एनिमल फैक्ट्स 972 में आपका स्वागत है। यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, हमने 13,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है और इसके लिए दिल से शुक्रिया। आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो सेलिब्रेट कैसे करें एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे ऐसे अजीबोगरीब जीवों के बारे में जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे जानवर जो दिखने में तो अजीब हैं, पर अपनी दुनिया के सुपरस्टार हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर मिलेगा कुछ नया, कुछ अनोखा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों मिलिए आई आई से। ये है आई आई और ये रहता है माडागास्कर के जंगलों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अजीब सा नाम है। अरे भाई, ये तो इसके नाम की कहानी है, पर असली कमाल तो ये करता है अपनी उंगली से। जी हां, आपने सही सुना, इसकी जो बीच वाली उंगली है ना, वो किसी औजार से कम नहीं। ये उससे पेड़ों पर ऐसे ठक ठक करता है जैसे कोई मैकेनिक इंजन चेक कर रहा हो। और क्यों? क्योंकि इसको ढूंढने होते हैं कीड़े मकोड़े खाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलता है इसको कि कीड़े कहां हैं। तो भाई, ये जो आवाज होती है ठक ठक करने से, उससे ये पता लगा लेता है कि कीड़े कहां छुपे हुए हैं। और फिर क्या, फिर तो बस अपनी लंबी उंगली अंदर डालो और कीड़े को निकालकर खा जाओ। कितना अजीब है ना, लेकिन यही तो कुदरत का कमाल है। ऐसे ही अद्भुत जीवों से भरी पड़ी है हमारी दुनिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये आई आई, कमेंट में जरूर बताना। और हां, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेंट्रल एशिया के मैदानों में, जहां मिलता है एक ऐसा एंटीलोप जिसकी नाक देखकर आप भी कहेंगे, ये क्या बना दिया भाई। जी हाँ, ये है साइगा एंटीलोप और इसकी नाक है सबसे खास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाक ऐसी क्यों है। तो भाई, ये नाक कोई आम नाक नहीं है, ये तो एक तरह का फिल्टर है जो इसको सांस लेने में मदद करता है। सेंट्रल एशिया के ठंडे रेगिस्तान में धूल मिट्टी बहुत होती है, तो ये नाक उस धूल को अंदर जाने से रोकती है। और सुनो, सर्दियों में जब बहुत ठंड पड़ती है ना, तो ये नाक हवा को गर्म करके फेफड़ों तक पहुंचाती है। मतलब ये नाक एसी और हीटर दोनों का काम करती है। कितना कमाल है ना। लेकिन दोस्तों, दुहक की बात ये है कि साइगा एंटीलोप खतरे में है। इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, हमें इनको बचाने की जरूरत है, वरना ये अनोखा जानवर हमेशा के लिए खो जाएगा। तो आइए मिलकर प्रण करें कि हम अपने प्लैनेट का और इन अनोखे जीवों का ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले जानवर से मिलने। चैप्टर 3। अब दोस्तों मिलिए दुनिया के सबसे छोटे आर्माडिलो से। ये है पिंक फेरी आर्माडिलो और ये रहता है अर्जेंटीना के मैदानों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुलाबी रंग का आर्माडिलो। जी हां, आपने सही सुना, ये गुलाबी रंग का होता है और ये देखने में किसी खिलौने से कम नहीं लगता। ये इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली में समा सकता है और ये रहता है जमीन के अंदर बिल बनाकर। इसको सैंड स्विमर भी कहते हैं, क्योंकि ये रेत में तैरने जैसा मूवमेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा है तो शिकार कैसे करता होगा। तो भाई, ये अपनी नाक से सूंघकर कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जीवों को ढूंढ लेता है। और हां, ये बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इसको पकड़ना आसान नहीं है। पिंक फेरी आर्माडिलो वाकई में एक अनोखा और प्यारा जीव है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि ये हमेशा हमारे प्लैनेट पर बने रहें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अजूबे की तरफ।
चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आ गए हैं न्यूजीलैंड, जहां मिलता है एक ऐसा तोता जो उड़ नहीं सकता। जी हां, आपने सही सुना, ये है काकापो, और ये दुनिया का एकलौता उड़ने में असमर्थ तोता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तोता उड़ क्यों नहीं सकता। तो भाई, इसकी वजह है इसका वजन। ये बहुत मोटा होता है और इसके पंख उड़ने लायक नहीं होते। लेकिन दोस्तों, उड़ नहीं पाने का मतलब ये नहीं कि ये कम इंटरेस्टिंग है। ये तोता रात को जागता है और इसका चेहरा बिल्कुल उल्लू जैसा दिखता है, इसलिए इसको आवल पैरट भी कहते हैं। काकापो बहुत ही रेयर है और ये खतरे में है। इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि ये अनोखा तोता हमेशा के लिए खो न जाए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले जानवर से मिलने। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं समुद्र की गहराइयों में, जहां मिलता है एक ऐसा ऑक्टोपस जो देखने में बिल्कुल डिस्नी के डम्बो जैसा लगता है। जी हाँ, ये है डम्बो ऑक्टोपस, और इसके कान जैसे पंख होते हैं जो इसको डम्बो जैसा लुक देते हैं। ये ऑक्टोपस समुद्र में बहुत गहराई में रहता है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ये बहुत ही रेयर है और इसको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। डम्बो ऑक्टोपस बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और ये छोटे मोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरता है। ये अपने कान जैसे पंखों को फड़फड़ाकर पानी में तैरता है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। डम्बो ऑक्टोपस वाकई में एक अद्भुत जीव है, जो समुद्र की गहराइयों में रहस्य का जीवन जीता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनोखे जानवर जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ओत्रो, तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था। ऐसे ही अमेजिंग एनिमल फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नए वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें।